नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ग्लोबल एएल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पैसा किसको प्यारा नहीं होता। यूरोप में पारिवारिक छुट्टियां या किसी पॉश सोसाइटी के भव्य बंगले में रहना या बिजनेस क्लास हवाई जहाज में यात्रा करना, हम सब लोगों का सपना है। लेकिन क्या हम सभी इसे अफोर्ड कर सकते हैं? आजकल की दुनिया में चाहे हर कोई कुछ भी कहे, आमतौर पर पैसा ही सफलता का एक पैमाना है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। हम में से अधिकांश लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त कमाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए और उसे कई गुना कैसे किया जाए जिससे हम अमीर बन जाएं। ऐसा करने के लिए हमें पैसे के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता होगी। अगर हम इस बात को अच्छे से समझ लें तो हम अपने पास मौजूद पैसों का सही फैसला ले पाएंगे और अपने उन सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे जो पैसों से खरीदे जा सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई किताब है जो इस बारे में विस्तार से बात करती है। यह इस विषय पर सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मुझे यकीन है कि हम सब मॉर्गन जो कह रहे हैं उसका 1% भी सीख और लागू कर पाए तो हम आज जो है उससे अधिक अमीर होंगे। इस किताब में हाउसल मानव के व्यवहार और उसकी वित्तीय सफलता के बीच जटिल संबंध की पड़ताल करता है। आइए समझें कि हाउसल क्या कहना चाह रहा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जटिल समीकरणों और दिमाग पर जोर कर देने वाले शब्दजाल से भरी आपकी स्पेशल फाइनेंशियल बुक नहीं है। इसके बजाय मॉर्गन हाउसल एक ताजा दृष्टिकोण अपनाता है, कहानी कहने को प्रैक्टिकल इंसाइट्स के साथ मिश्रित करता है। ये पुस्तक हमारे फाइनेंशियल निर्णयों को आकार देने वाले विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल करती है, जिससे यह अनुभवी निवेशकों और अभी अभी अपनी फाइनेंशियल यात्रा शुरू करने वालों दोनों के लिए एक आकर्षक पाठ बन जाती है। पहली सीख, द अनसीन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहली सीख उस शक्तिशाली चीज के बारे में है जिसे हम कंपाउंडिंग के नाम से जानते हैं। अलग अलग नैरेटिव से लेखक ने पाठकों को चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग के वास्तविक जादू की सराहना करवाई है और मनी अक्यूमुलेशन में धैर्य के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाउसल ने पाठकों को कंपाउंडिंग के असली जादू की सराहना करने के लिए उकसाया है और इस बात पर जोर दिया कि पैसा धैर्य और फाइनेंशियल निर्णयों के लिए डिसिप्लिन दृष्टिकोण में बसता है। लेखक कहानियों के माध्यम से दर्शाता है कि समय के साथ छोटे मगर लगातार कार्यों से महत्वपूर्ण फाइनेंशियल गेन कैसे हो सकता है। यह अध्याय एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि धन का निर्माण क्विक सॉल्यूशन और इमीडिएट रिजल्ट प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि चक्रवृद्धि की स्थिर और अक्सर कम आंकी गई शक्ति को अपनाने के बारे में है। दूसरी सीख, अमीर बनना वर्सेस अमीर रहना। इस सीख को समझाने के लिए हाउसल उन व्यक्तियों के बारे में बात करता है जिन्होंने पहले तो वित्तीय सफलता हासिल की लेकिन बाद में कुछ गलत फैसले लिए जो उनके पतन का कारण बने। इन मामलों की जांच करके लेखक शॉर्ट टर्म सोच, पेशेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डालने वाले व्यवहार से बचने के महत्व पर जोर देता है। यहां मुख्य बात यह है कि धन का निर्माण न केवल शुरुआत में फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त करने के बारे में है, बल्कि इसे समय के साथ बनाए रखने के बारे में भी है। पाठकों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर केंद्रित मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें अच्छे वित्तीय निर्णय लेने के मूल्य पर जोर दिया जाता है जो जल्दी लाभ की तलाश के बजाय स्टेबल सफलता में योगदान करते हैं। लेखक यहाँ स्थायी धन के सिद्धांतों को समझने के लिए आधार तैयार करता है और पाठकों के लिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी तय करने के लिए एक इम्पोर्टेंट गाइड के रूप में कार्य करता है। तीसरी सीख, अनप्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड। ये सीख टेल इवेंट्स की कॉन्सेप्ट के बारे में है जो दुर्लभ और एक्सट्रीम घटनाएं हैं जो किसी के भी फाइनेंशियल जर्नी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं। हाउसल स्टॉक मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल नेचर और हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी को आकार देने में इन टेल इवेंट्स की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक उदाहरणों और उपाख्यानों का उपयोग करते हुए लेखक बताता है कि कैसे ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दूरगामी यानी फार रीचिंग परिणाम दे सकती हैं। हाउसल पाठकों को उनकी जोखिम लेने की क्षमता और डिसीजन मेकिंग के प्रति उनके दृष्टिकोण को रीअसेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के लिए तैयारी करने और उनके फाइनेंशियल वेलबींग पर के संभावित प्रभाव को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यहाँ पुस्तक फाइनेंशियल रिस्क पर कन्वेंशनल विचारों को चुनौती देती है और पाठकों को फाइनेंशियल निर्णय लेते समय संभावनाओं के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। टेल इवेंट्स के अस्तित्व और उनके संभावित प्रभाव को स्वीकार करके हाउसल वित्तीय दुनिया की मुश्किल और अनिश्चित नेचर में मूल्यवान इंसाइट्स प्रदान करता है, पाठकों को अधिक अडैप्टेबल मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथी सी, फ्रीडम, जीवन का उच्चतम मानक। स्वतंत्रता, जीवन का उच्चतम मानक वित्तीय सफलता के वास्तविक सार को एक्सप्लोर करता है
जो ये है, अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि धन का अंतिम लक्ष्य केवल संपत्ति जमा करना नहीं है, बल्कि वित्तीय बाधाओं के बिना चुनाव करने की स्वतंत्रता प्राप्त करना है। मार्मिक कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से पाठकों को सफलता की अपनी व्यक्तिगत परिभाषाओं को रीडिफाइन करने और अपनी प्रायोरिटीज को रीअसेस करने की चुनौती दी जाती है। पांचवी सीख, निराशावाद। जैसे जैसे हम पांचवी सीख की ओर आगे बढ़ते हैं, हाउसल हमें फाइनेंशियल निर्णय लेने में निराशावाद के प्रभाव से अवगत करवाता है, ऐतिहासिक घटनाओं और बिहेवियरल मनोविज्ञान के माध्यम से। लेखक नकारात्मक भविष्यवाणियों के आकर्षण और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। यहाँ पुस्तक पाठकों के लिए एक वैल्यूएबल गाइड के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव बनाए रखते हुए वित्तीय बाजारों के अशांत पानी में नेविगेट करना सिखाती है। छठी सीख, जब आप किसी भी बात पर विश्वास करने लगते हैं। When you will believe anything, विश्वास के मनोविज्ञान और हमारे वित्तीय निर्णयों को आकार देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। हाउसल कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस के बावजूद भी व्यक्तियों की उन नैरेटिव्स पर टिके रहने के नेचर का पता लगाता है जो उनकी प्रीकंसीव्ड नोशंस के अनुरूप होती है। कॉग्निटिव बायसेस और वित्तीय विकल्पों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करके पाठकों को जानकारी का क्रिटिकली एवेल्युएट करने और अधिक इन्फॉर्मेट डिसीजन लेने के लिए उपकरणों से लैस किया जाता है। सातवीं सीख, ऋण के द्विपक्षीय परिणाम। ऋण यानी लोन या डेट, जो कई फाइनेंशियल नैरेटिव्स में एक यूबिक्विटस एलिमेंट है, इस अध्याय में सेंट्रल स्टेज पर है। हाउसल ऋण के कुछ परिणामों की बात करता है, जो अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले प्रभाव जो तत्काल फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन से परे होते हैं। रियल लाइफ के उदाहरणों के माध्यम से पाठकों को ऋण के लॉन्ग टर्म प्रभावों की गहरी समझ प्राप्त होती है, जिससे उन्हें सावधानी और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ उधार लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। आठवीं सीख, जोखिम के तीन पक्ष। थ्री साइड्स ऑफ रिस्क में मॉर्गन हॉसेल पाठकों को जोखिम की मल्टीफेस्ड नेचर से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि इसे डिफरेंट एंगल से कैसे देखा जा सकता है। ज्ञात जोखिमों, अज्ञात जोखिमों और पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ आने वाले जोखिमों के कॉन्सेप्ट्स की जांच करके लेखक जोखिम लेने की सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। यह अध्याय पाठकों को अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने और ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनकी व्यक्तिगत रिस्क प्रेफरेंसेस के अनुरूप हों। नवी सीख, नेवर इनफ। अधिक की निरंतर खोज और धन की कभी न खत्म होने वाली खोज से जुड़े मनोवैज्ञानिक जाल का सामना करता है। हाउसल ने इस धारणा को चुनौती दी कि अधिक पैसा अधिक खुशी के बराबर है, और पाठकों से पर्याप्तता में संतुष्टि खोजने का आग्रह किया। थ्रू इंट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव्स के माध्यम से यह अध्याय पाठकों को इनफ की अपनी परिभाषाओं पर विचार करने और पैसे के साथ एक हेल्दी संबंध विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। दसवीं सीख, कंपाउंडिंग। इस अंतिम सीख में हाउसल ने कंपाउंडिंग के विषय पर फिर से विचार करके यात्रा को पूर्ण चक्र में ला दिया है। कंपाउंडिंग एक निष्कर्ष के रूप में कार्य करता है, जो पुस्तक के केंद्रीय संदेश को मजबूत करता है, जो है द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हैबिट्स। लेखक पाठकों को सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल दुनिया की कम्प्लेक्सिटी से निपटने और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने के ज्ञान से लैस करता है। इसी के साथ हम मॉर्गन हाउसल द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समीक्षा खत्म करते हैं। ये पुस्तक एक रत्न है जो ट्रेडिशनल फाइनेंस लिटरेचर से परे है, जो स्टोरी टेलिंग एंड प्रैक्टिकल विजडम का एक मनोरम मिश्रण पेश करती है, चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हो या अभी अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर रहे हो। हाउसल की अंतर्दृष्टि निस्संदेह एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगी। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो मैं इस पुस्तक को अपनी रीडिंग लिस्ट में जोड़ने को हाईली रेकमेंड करता हूँ। हमेशा की तरह इस वीडियो में साइन इन करने के लिए धन्यवाद, और अधिक बुक रिव्यूज और साहित्यिक चर्चाओं के लिए ग्लोबा ईएल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक, यह आपका ग्लोबल सिटीजन साइन ऑफ करता है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।